हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास सेवेंथ के थर्ड चैप्टर की। तो अभी तक हमने डेटा हैंडलिंग में मीन, मोड, मीडियन ये सब पढ़ लिया था। अब हम लोग बात करेंगे बार ग्राफ्स की। बार ग्राफ्स क्या होते हैं? आप लोगों ने ग्राफ्स तो पढ़े होंगे। बार ग्राफ्स, ग्राफ्स के भी कई पैटर्न होते हैं। बार ग्राफ्स में हमें क्या, जब भी हमें कोई डेटा दिया गया होता और फिर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें उसके हम ये ऐसे बार्स बना देंगे। तो जो अगर डेटा को हम ऐसे बार ग्राफ्स में, ग्राफ बना के ऐसे बार्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं बार ग्राफ। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे तो वो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। एक एग्जांपल है 6th and 7th क्लासेस वर आस्क्ड टू नेम देयर फेवरेट कलर सो एज टू डिसाइड अपॉन वॉट शुड बी द कलर ऑफ देयर स्कूल बिल्डिंग। अब 200 स्टूडेंट से पूछा गया 6th और 7th क्लास के स्कूल की बिल्डिंग का कलर क्या रखा जाए। तो अब कुछ, अब 200 बच्चे हैं तो 200 बच्चों ने अलग अलग आंसर दिया होगा, सीधी सी बात है। अब दिया, यहाँ पे हमें एक टेबल दी गई है, उसमें बताया गया है कि फेवरेट कलर कौन कौन से बताए उन्होंने और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स कौन, मतलब एक कलर कितने नंबर, कितने लोगों का फेवरेट है, ठीक है। तो अब उसको रिप्रेजेंट उन्होंने कैसे किया, तो रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया। और सबसे पहले ग्राफ की प्रोसेस ये है कि आपको दो एक्सिस या फिर स्केल्स बोल दो इनको, स्केल्स आपको बनानी पड़ती है। ये हमने स्केल्स बना ली, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब हम लोग एक, यहाँ एक साइड हम लोग लिखेंगे कलर्स, जैसे पहले पहले कौन सा कलर दिया फेवरेट कलर में, रेड, रेड को हमने आर से डिनोट कर दिया। फिर दिया ग्रीन, ब्लू, येलो और ऑरेंज, ये हमें पांच कलर दिए, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करने के लिए यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये तो जीरो जीरो होता, और फिर जब हम यहाँ पे स्केल ड्रॉ करेंगे, मीजर करेंगे, तो इक्वल इंटरवल हम लोग इक्वल इंटरवल लेना होगा। अगर हम लोग यहाँ पे वन लें, टू लें, अगर जो उनके बीच का इंटरवल जो है वो अगर हम लोग वन का डिफरेंस लें तो 1, 2, 3, 4 ऐसे ले लेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे वन भी ले सकते, वन से भी स्टार्ट कर सकते, फाइव से भी कर देंगे। हम लोग यहाँ पे करेंगे 10 से 10, 20, 30, 40, 50, 50 से ज़्यादा है 60, ठीक है। बस हमें एक चीज़ ये याद रखना होगा कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सब जगह एक सा होना चाहिए। यहाँ पे 10 का डिफरेंस है तो यहाँ पे भी 10 का होना चाहिए, यहाँ पे 10 का है तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और हर जगह 10 का डिफरेंस होना चाहिए रेगुलर इंटरवल पे। अब रेड कलर, रेड कलर कितने लोगों का फेवरेट है, 43। 40 तो इधर है, 43 कहाँ पे होगा, ये आधा यहाँ पे 45, उससे थोड़ा सा कम 43, तो रेड पे हम लोग 43 तक का बार बना देंगे। अब ग्रीन कितना, ग्रीन कितने लोगों का फेवरेट है, 19 का, कहाँ है 19, 20 इधर पे है तो 19 इधर कहीं होगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे 19 पे बना दिया ग्राफ। अब ब्लू कितने का है, 55, 50 है तो 55 इधर पे होगा, ये बन गया 55 का ब्लू का। येलो कितना है, 49, तो 49 इधर कहीं होगा, ये बन गया 49 का। ऑरेंज कितना है, 34, 35 इधर होगा तो 34 इधर कहीं होगा। अब ये जो हमें डेटा टेबुलर फॉर्म में दिया था, हमने इसको बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या है, विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड कलर, सबसे ज्यादा कलर कौन सा प्रेफर्ड है, सबसे ज्यादा कलर कौन सा प्रेफर्ड है, ब्लू, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इसी के हैं,
तो ये कौन सा है मोस्ट प्रेफर्ड? लीस्ट प्रेफर्ड कौन सा है? लीस्ट प्रेफर्ड ग्रीन, लीस्ट प्रेफर्ड। सबसे कम लोगों का फेवरेट कौन सा है? ग्रीन कलर। अब हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल, कितने कलर्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5, 5 कलर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो हमें टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया था हमने उसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए थे हमने उसके आंसर भी दे दिए। ठीक है, तो ये हमारा बार ग्राफ हुआ। अब आगे हम लोग बात करेंगे चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी की। चांस एंड प्रोबेबिलिटी क्या होता? सपोज कोई एक कॉइन है, अगर हम उसको टॉस करें तो उसके उसके क्या चांसेस हैं आने के? या तो हेड आ सकता या फिर टेल आएगा, तो ये तो हो गए चांसेस। लेकिन प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, प्रोबेबिलिटी क्या होता, तो वो उसमें हम लोग न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। प्रोबेबिलिटी में क्या होता, अब हमें पता है कि अगर हमने कॉइन टॉस किया तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये तो हो गए चांसेस। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड आने के चांसेस कितने हैं कि जब अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो कितना परसेंट चांस है कि हेड आएगा? तो दो, या तो हेड आए, अगर हम कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? आधी है। टेल आने की भी आधी है, 50-50% चांसेस हैं। तो 50% कितना होता? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। और ये हो गई कॉइन की बात। अब हम लोग करेंगे डाइस की बात। तो डाइस में क्या हमें पता है, डाइस में कितने नंबर होते हैं? 1 से लेके 6 तक। तो यहाँ पे अगर हमें 1 की प्रोबेबिलिटी बताना कि 1 अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तब भी 1/6। 3 आने की क्या है? तब भी 1/6, क्योंकि एक ही नंबर तो है इसलिए 1/6। 3 आने की क्या है? 1/6। 4 आने की क्या है? 1/6। 5 आने की 1/6। 6 आने की भी 1/6। ठीक है, तो ये चांस और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम लोग बात करते कोई भी एक्सपेक्टेशन की, कोई भी एक्सपेक्टेशन हो। जैसे अब हमने पता है कि हेड, अगर हम कॉइन टॉस करेंगे तो हेड या फिर टेल आना ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। बस हम लोग इसमें बात कर लेंगे कि कितने परसेंट चांस हैं हेड आने के, कितने परसेंट चांस हैं टेल आने के। अब अगर हम सपोज कोई एग्ज़ाम देते हैं, अगर हमने एग्ज़ाम दिया है, या तो पास होंगे या फिर फेल होंगे। पास होने के चांसेस कितने हैं, फेल होने के चांसेस कितने हैं, ये तो हमारे हमने जो एग्ज़ाम दिया है उस पर डिपेंड करेगा। तो बस हम लोग यहाँ पर चांसेस की बात करते हैं, नंबर पॉसिबल आउटकम्स कितने होते। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इस वीडियो में देखा क्या, चांसेस, प्रोबेबिलिटी, और हमने बार ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज की, इनकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 और एक्सरसाइज नंबर 3.4। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।